जय माता रानी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य है जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग हमें कैसे बनानी है वो भी मैं बना करके बताऊंगी। इस दिन का पूजा विधि क्या है, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी से संबंधित। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि अब की बार साल 2024 में 9 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पंचमी तिथि शुरू होगा 9 अगस्त को मध्य रात्रि में 12:38 पर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगा और पंचमी तिथि समाप्त होगा 10 अगस्त को दोपहर में 3:14 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार के दिन 9 अगस्त को हमें सारे दिन पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसलिए हमें नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो 9 अगस्त को मनाना है, दिन है शुक्रवार। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं इस दिन की पूजा विधि और नियम के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि कोई भी व्रत त्यौहार हो तो उस दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो 9 अगस्त को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। कितने लोग हैं जो इस दिन व्रत रखते हैं, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस दिन व्रत रखते हैं। तो अगर आप लोग रखते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, जिस नियम से रखा जाता है आप उसी नियम से रख लीजिएगा। तो इस दिन आप सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और इस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्नान करके आप लोग सुबह में पूजा कर लीजिएगा। तो बता दूं कि इस दिन 9 अगस्त को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अगस्त को सुबह में 5:47 से लेकर के और 8:22 तक रहेगा। तो इस बीच में जो भी लोग व्रत रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो इस बीच में आप लोग पूजा पाठ सब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या और कौन कौन से कार्य हमें जरूर करने चाहिए और इस दिन का नियम क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि नाग पंचमी के दिन आप लोग सुबह में उठ जाइएगा और उठ करके आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। ये आप लोग शुक्रवार के दिन नाग पंचमी के दिन ही आप लोग अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। गांव में जो लोग रहते हैं वो गोबर मिट्टी से अपना घर लिपते हैं। वैसे तो वैसा घर आजकल किसी के मतलब बहुत कम ही देखने को मिलता है, अब तो सारे घर में झाड़ू पोछा ही होता है। तो जैसा आपका घर है आप अपना घर की साफ सफाई वैसा ही कर लीजिएगा। अगर लिपने वाला है तो गोबर मिट्टी से लिप लीजिए, नहीं तो पोछा लगाने वाला है तो आप अपने घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करके और अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में आप स्नान कर लीजिएगा, ब्रश करके और स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने घर का चौखेटन कर लीजिएगा। अगर आपके पास में ब्राह्मण है तो रेत, जिसे बालू भी बोलते हैं, रेत और सरसों के दाने मिला करके किसी ब्राह्मण से उसमें मंत्र फुकवाया जाता है, तो आप लोग फुकवा लीजिएगा और उस रेत और सरसों के दाने को गोबर में मिक्स करके और उसी से चौखेटन किया जाता है। और चौखट के दोनों साइड घर में भी, अंदर भी और बाहर भी, दोनों साइड नाग नागिन बनाया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को नाग नागिन भी बना करके दिखाऊंगी कि हमें उस दिन नाग नागिन कैसे बनानी है। तो आप लोग नाग नागिन बना लीजिएगा, घर का अच्छे से चौखेटन कर दीजिएगा और घर के आगे पीछे चारों तरफ हमें उसी गोबर से, रेत से और बालू जो मिला हुआ है उसी से हमें चारों बगल छींटा मार देना है, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि नाग देवता की कृपा बनी रहती है और हमारे घर में मतलब जो भी बुरी शक्तियाँ रहती है वो सब निकल जाती है। इसलिए उसी गोबर से चारों बगल छींटा कर दिया जाता है घर के आइड साइड में। तो आप लोग अच्छे से चौखेटन कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया गांव वाले के लिए, और जो लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेत इंसान कहाँ खोजेगा, सरसों के दाने तो मिल ही जाएगा, गोबर कहाँ मिलेगा। तो नहीं है अगर आपके आसपास में तो आप लोग चौखेटन ज़रूर कीजिएगा। आप लोग चाहे तो आटे से भी नाग नागिन बना सकती हैं, बेसन से भी बना सकती है, चंदन से भी बना सकती है,
कुछ भी से आप लोग बनाइएगा, लेकिन नाग नागिन नाग पंचमी के दिन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। और चौखट के दोनों साइड नाग नागिन बना दीजिएगा, उसको अच्छे से सिंदूर से टीक दीजिएगा। तो उस दिन धान के अलावा और दूध चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग दूध कच्चा उस दिन चढ़ाया जाता है, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। घर में भी दूध लवा हमें चढ़ानी है, अगर मंदिर आसपास में है तो आप लोग मंदिर में भी पूजा जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ को उस दिन भांग धतूर अकवा बेलवपत्र ये सब जरूर अर्पित करके पूजा कीजिएगा, और नाग देवता को उस दिन मंदिर में दूध लवा जरूर चढ़ाइएगा। और जब भी मंदिर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि दूध हमें पीतल के पात्र से ही वहाँ पे चढ़ाना है, तांबे के पात्र से हमें दूध नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तांबे के पात्र में अगर हम दूध डालते हैं तो वो बीस के समान हो जाता है, इसलिए तांबे के पात्र से हमें दूध नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी मंदिर में जाइएगा। तो घर के आसपास में मंदिर है तो आप लोग मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा, घर में भी पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में बता दूँ कि नाग पंचमी के दिन कुछ मीठा चीज़ बनाया जाता है, क्योंकि बरस बरस का दिन है और नाग पंचमी के दिन से ही सारे व्रत त्यौहार शुरू हो जाते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन कुछ मीठा चीज़ जरूर बनाइएगा। तो हमारे यहाँ तो दाल वाला पूरी और खीर बनता है, बाकी आपके यहाँ क्या बनता है आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन उस दिन मीठा चीज़ बनाया जाता है क्योंकि बरस बरस का त्यौहार है और उसी दिन से सारे त्यौहार शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग तो खीर पूरी बनाएंगे और उस दिन खीर पूरी बना करके भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और नाग पंचमी के दिन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर आपको सांप दिखाई दे देता है तो उसे हमें मारना नहीं है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन हमें उनकी पूजा किया जाता है, सारे लोग पूजा करते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो आप डंडे से लकड़ी से उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मारिएगा मत, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक पाप लगता है क्योंकि उस दिन सारे लोग उन्हीं का पूजा करते हैं और अगर हम उसे मार देते हैं तो बहुत अधिक पाप लगता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नाग पंचमी के दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करनी है, चाहे वो भिखू भिखारी हो, पशु पक्षी हो, या मतलब जानवर हो, मतलब किसी का भी हमें उस दिन अपमान नहीं करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनके ऊपर भी काल सर्प दोष रहता है तो उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिनके ऊपर भी काल सर्प दोष रहता है तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने आचार्य हो या ब्राह्मण देवता हो तो वो लोग इस दिन काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, घर में भी कराते हैं और नदी के तट पर भी कराते हैं। तो इससे अच्छा दिन कुछ भी नहीं हो सकता है काल सर्प दोष से छुटकारा पाने का। तो इस दिन जिसके ऊपर भी काल सर्प दोष है तो इस दिन आप लोग पूजा जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। तो इस दिन आप लोग पूजा करा लीजिएगा, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। कोई भी हमें कार्य करनी है तो अपने घर का नियम देख करके ही करनी है। अब चलिए नाग देवता बना करके दिखा देती हूँ कि नाग पंचमी के दिन हमें नाग नागिन कैसे बनानी है, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो। कितने लोग हैं जो एक ही साइड से नाग नागिन बना देते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि नाग नागिन हमें कैसे बनानी है। तो देखिए, ये हो गया घर का चौखट, तो हमें घर के चौखट के दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी नाग नागिन बनानी है। तो देखिए हमें कैसे बनानी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बेसन से मैं नाग नागिन बना रही हूँ, तो ऐसे करके ऐसे करनी है। ऐसे तो मेरे दीवार पर दिखाई भी कम ही देगा। देखिए ऐसे ही हमें नाग नागिन बनानी है। मैं आप लोगों के लिए बेसन से नाग नागिन बना रही हूँ, ऐसे कर देना है। और एक नाग देवता का तो इस साइड से मुंह हो गया, ठीक है, और दूसरा का इस साइड से हमें बनानी है, ऐसे जैसे सांप रहता है ना, उसी प्रकार से हमें बनानी है। और इस उंगली से हमें बनानी है, देखिए इसी उंगली से हमें बनानी है, तो ऐसे करके और ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो शायद आप लोगों को उतना दिखाई भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि दीवार भी उसी कलर का है और मैं बेसन से बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास में गोबर कहाँ से मिलेगा शहर में, तो हम लोग तो बेसन से ही बनाएंगे, या आप लोग चंदन से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। तो जब आप लोग नाग नागिन बना दीजिएगा तो जो नाग देवता का ये जो मुख होता है ना, इस पे हमें सिंदूर से जरूर टिक देना चाहिए, देखिए दोनों तरफ, ठीक है। और इसी पे हमें उस दिन नाग पंचमी के दिन इस पे फूल भी चिपकाना है, और यहाँ पे मतलब कि लावा आप लोग चिपका दीजिएगा, दूध लावा चढ़ा दीजिएगा, ठीक है।
और घर में भी चढ़ाया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसा ही किया जाता है, नाग देवता बना करके और सिंदूर से टिक दिया जाता है, इसके बाद इस पे फूल चिपकाया जाता है और इस दिन दूध लावा चढ़ाया जाता है। तो आप लोग आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो हमें नाग ऐसे ही बनानी है, दोनों का मुख एक साइड करके, ठीक है। देखिए अब कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसे कर देते हैं, दोनों को ऐसे कर देते हैं, तो वैसे नहीं करनी, हमने दोनों का मुख एक ही में सटा करके बनाना है। तो दोस्तों ऐसा ही हमें नाग नागिन बनानी है, जैसे मैंने आपको बना करके दिखाया। आप लोगों को तो उतना मतलब समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए मेरा दीवार भी उसी कलर का है और मैं बेसन से बनाई हूँ, क्योंकि हमारे पास में ना तो रेत मिलेगा और ना ही गोबर मिलेगा, तो हम लोग तो बेसन से ही बनाएंगे। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आपके पास में गोबर रेत मिल जाता है तो आप लोग उससे बना लीजिए, नहीं तो आप लोग बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रदोष काल में नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, तो मतलब शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो अगर आप लोग करते हैं तो इस दिन प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम में 6:14 से लेकर के और 7:44 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। तो आप चाहे तो इस मतलब प्रदोष काल में भी, इस समय में भी आप लोग शिव जी की विधि विधान से आप लोग पूजा कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, जैसे आपके घर में होता है हमें वैसा ही करना है, हमें कोई भी कार्य आगे आगे नहीं करना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाग पंचमी के दिन आप लोग कोई भी मांस मदिरा ये सब का सेवन मत कीजिएगा, अच्छा सा भोजन बना करके, मीठा भोजन बना करके आप लोग जरूर कीजिएगा। और इस दिन आप लोग किसी का अपमान मत कीजिएगा, जमीन का खुदाई मत कीजिएगा, नुकीला चीज का प्रयोग मत कीजिएगा, इस दिन हमें हरे पत्तेदार साग नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, और नाग पंचमी के दिन भूल से भी हमें नाग देवता को नहीं मारना है, कहीं भी आपको दिखाई दे देते हैं तो उनको डंडे से बाहर हमें कर देना है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नाग पंचमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।